योग का अर्थ होता है साधक, यानी जो जोड़ने और जुड़ने की चेष्टा करता है, आत्मा परमात्मा से योग चाहती है, उसे मिलन चाहती है। तो क्या बताया है कि उस भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से और भरकुटी में, यानी जहाँ लास्ट स्टेज है इस ब्रह्मांड की, वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है त्रिकुटी में, और वहाँ जाकर के फिर जब भरकुटी में ये प्राणी पहुँच जाता है, फिर तो काम निकट पहुँच जाता है इसका। फिर वहाँ से भी फिर आगे बढ़ने के लिए अपने श्वास के सिमरण की इसको आवश्यकता पड़ती है। तो तब भरकुटी से एकदम जंप करके ये त्रिकुटी में पहुँचता है। तो वहां जाकर के अकाउंट होता है, और वहां पर इस दास के रूप में परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म आपको उपलब्ध होगा। जब संसार छोड़कर जाओगे, इस नाम का सिमरण करते हुए जाओगे, क्योंकि ये सबका एक जैसा विधान है। देखो, चाहे तो आप बच्चा खेल रहा है गेम जिला स्तर पर, फिर वो खेलता है स्टेट स्तर पर लेवल पर, और फिर वो खेलता है नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। अब किसी भी गेम में जो खेल रहे हो आप, उनके नियम एक जैसे ही होते हैं, और अंतिम तक भी वो नियम ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार अब सभी महापुरुषों का है कि नाम जो जाप करना है, ये काम करते करते सिमरण करना है। चाहे आप ब्रह्म साधना करते हो, उसका भी ऐसे ही है, और चाहे सतपुरुष की साधना करनी है परमात्मा की, वो भी मंत्र ऐसे ही है, उनका एक जैसा ही विधान होता है। तो यहाँ जो तीन मंत्र का जो जाप आपको बताया है, जब त्रिकुटी पर हम पहुँच जाएंगे, तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा विद्यमान होंगे, और पुण्यात्मा आपकी जैसी श्रद्धा, जैसे यहाँ आपको बुला करके एक रिहर्सल कराई जाती है, आपको ये ज्ञान दिया जाता है, आपकी जितनी भी श्रद्धा इस दास के प्रति आज होगी या अंतिम समय में होगी, तो वही परमात्मा जब मुझ दास के रूप में उपलब्ध होगा उसमें होगी। अब इसीलिए कहा कि गुरु जी को आपने मनुष्य नहीं समझना चाहिए, ये दास है तो मनुष्य ही, एक सिंपल जीव है, लेकिन आपके लिए कंपलसरी हो गया इसको एज ए गॉड मानकर रिहर्सल करनी है आपने। जैसे एक गणित के अंदर ऋण लोन का एक सवाल आता है, प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो करोड़ों अरबों रुपए का होता है, लेकिन उस मूलधन को पाने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लिए मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता। मूलधन तो अरबों खरबों में है, लेकिन मानना पड़ेगा उसके बिना वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए ये दास को आपने मानना पड़ेगा गुरु इज गॉड, ये 100 रुपये मानने का, फिर वो अरबों खरबों वाला धन यानी पूर्ण परमात्मा रूपी मूल धन आपको मिलेगा, ना कति नहीं मिलेगा। तो आप जब त्रिकुटी में होगे, यहां जैसी आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है, बार बार सारे सत्संगों का निष्कर्ष यही निकाला जाता है, परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध है, और महादुखी संसार में आग गई हम के फंद। अब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, और उन्होंने एक जन साधारण गरीब व्यक्ति की तरह लीला की थी, कपड़ा बुनना भाई, गरीब कति टोटे वाला क्या करें, दारिद्र इस तरह दिखा करते। और हमारी वृत्ति है, हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके पास अच्छे घोड़े गाड़ी हों और बढ़िया कार हों, और या राजा रुजा हो, जैसे रामकृष्ण थे, ये तो आप भगवान मान ले न था, क्योंकि राजा के घर जन्म था, बकवाद करो न गढ़ दें, कोई बोलनिया टोकनिया नहीं ठाडेगा, उसको तो आप राम मान ले आदमी, और राम तो इसको मानना था जो है गरीब सा आदमी, और सारे ज्ञान से युक्त, और सारे सारे समाधान जो भी उनके शरण में उनको सुख दिए जो भगवान दिया करते, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रमित थी, तो हमने भगवान ना माना उस परमेश्वर को, इसलिए हम आज तक भटक रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने ये
अक्सर ज्ञान आपको देना पड़ा, न इस अक्सर ज्ञान की कति जरूरत नहीं, इसने तो बेईमान बना दिया, हम कति निर्लज बना दिए, शर्म रहिनी, दया रहिनी, माया माया जोड़ने की आग लगा दी, लेकिन इससे हमने एक विशेष लाभ होगा, ये तत्व ज्ञान और भगवान पहचान में आ जाएगा। और जब ये तत्व ज्ञान और भगवान पहचान में आ गया, इस विष नाम खावाएं को नहीं आप पर छूट जाएगा, फिर इससे हम पीछे हटेंगे, जो माया की दौड़ आज लगी हुई है बिल्कुल नहीं आपको अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि मूर्ख दिखेंगे जो सारा जन्म खोन लग रही, और फिर एक मिनट में छोड़ के चले जाएं। जैसे पीछे आप उदाहरण देख लो, और पिछले तो निरे बता रखे हैं, अब तुरंत के बहुत से देख लो, एक हिसार का डॉक्टर था और बहुत सुप्रसिद्ध, पता नहीं रोजाना की उसकी हजारों की इनकम थी, अपनी पत्नी पुत्र और स्वयं जा रहे थे किसी गाड़ी में, लड़के का एडमिशन कराने जावे थे, रस्ते में तीनों मर गए एक्सीडेंट में। अब बताओ धन्य के चाट ले, एक भगत बता रहा था, उन्होंने बोला जी एक डॉक्टर मेरी जान पहचान का है, अच्छा मित्र है, मुझे ये ज्ञान समझ में आ गया, मैंने उससे समझाने की चेष्टा की, वो सुनता भी कोई ना, उन्होंने बोला तू ये बात करे ना मेरा उल्टी पड़न हो जाए, तो कौन से युग में और कौन सी बुद्धि का आदमी, कहाँ भगवान आज के। अर्नू क्या करता हूँ, डॉक्टर कहता था कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे अपने बैंक बैलेंसों का पता नहीं, कौन से में कितना है, और कोई संतान नहीं, नहीं संतान था, और आर्ट स्पेशलिस्ट था, आर्ट का स्पेशलिस्ट था। अब आर्ट तो इस आइटम है भी, कोई भी नहीं होगा तेरा ये तकलीफ है, नहीं होगा डॉक्टर जी कितने 5,000 रुपये लागेंगे अगले दो जब दे बेचारे, क्योंकि जीवन चाहिए। वो बता रहा था भक्त के, उसके हाथ में टेबलेट थी, आर्ट का मरीज हो गया, आर्ट स्पेशलिस्ट आर्ट का मरीज। अच्छा उसने कहता गोली हाथ में ले रखी और फांक नहीं सका, नो का नो रह गया। जब पता चला हम भी गए, सारी कहानी का पता लग गया क्योंकि मित्र था, तो जब पता चला कि वो आर्ट स्पेशलिस्ट आर्ट अटैक से मरिया और गोली हाथ में खा नहीं सका, चाट ले इसमें इसने उस दन्नई में, अब कितना गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, मारेंगे लठ जिसने लूट रखा, और मुंह बाबा के देगा सबके। तो ये ज्ञान होगा आपने। अब जैसे पीछे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, उसे 95 मंत्री थे और मुख्य प्रधानमंत्री था, एयर क्रैश में ख़त्म हो गए सारा, एक का विनाश करते हो गया। अब उनकी पता नहीं क्या उम्मीदें थी। इस आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री 3 दिन में लाश पाई थी, पता नहीं क्या सालाएँ बैठा था वो। अब मुख्यमंत्री की दशा होना संभाविक है, हमारे जैसा टूट फूट जाए, पता नहीं क्या पे मौत बनाए बैठे हैं सारे दिन, और सांझ का पता नहीं 1 सेकंड का क्या हो जाए इस जीव के संग में। एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री 7 दिन में लाश पाई थी, कोई फर्स्ट एड करनिया नहीं पाया। ऐसे बहुत से प्रमाण है पुण्यात्माओं, अगर इस मन पापी को रोकने के लिए इस ज्ञान से, फिर अपने आप ये उल्टा हटेगा और भक्ति का नहीं जुड़ेगा इन दृष्टांतों को समझ और देख कर। तो उस परमेश्वर ने हमें ये जहर भी देना पड़ा क्योंकि शिक्षा देनी पड़ी, न इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, इस भगवान और तत्व ज्ञान को समझने और समझाने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस कराने के लिए कि हम आज तक भ्रमित थे और ये यही ज्ञान है, यही भगवान है, ये प्रमाण है सभी सदग्रंथों में। इसलिए सदग्रंथों को भी जीवित रखा परमात्मा ने। तो प्रसंग चल रहा है कि जब त्रिकुटी पर हम पहुँचेंगे तो उस समय आप जी को परमात्मा, आप जब शरीर छोड़कर जाओगे, आपने अंतिम सांस तक ये साधना करनी है, इस ब्रह्म में ना रहो, कुछ दिखा को ना, भगवान कहाँ है, यानी जो प्रमाण आपको दिए जाते हैं और जो विधि बताई गई है उसका फॉलो करते रहो, सब होगा। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लो, गीता जी धर्म राठ के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति प्रमाम गति, यानी ओम मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ये जाप करण का उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति जो शरीर छोड़कर जाता है, जी यह प्रयाति तदन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति प्रमाम गति, यानी ओम नाम का लाभ उसको पूर्ण रूप से मिलता है जो अंतिम सांस तक ओम नाम का ही जाप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। जहां साता बासा हो, यही परमात्मा करें, राम नाम रटते रहो। अब वास्तविक राम नाम कौन सा है इस 3 मंत्र का, ओम तत् सत, ये है राम नाम। राम नाम रटते रहो,
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम श्वास तक परमात्मा की वाणी, वो तत्व ज्ञान भी यही बता रहा है कि अंतिम सांस तक इस राम नाम का जाप करते रहो, जो मंत्र आपको दिया ये है राम नाम। और यही वेद बता रहे हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक जब शरीर अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, जब शरीर का अंत होगा, तेरा अंतिम संस्कार करा जा, तब तक इसका जाप करते रहना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद कह रहा, परमात्मा की वाणी बता रही है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, परमात्मा का भक्ति नाम काम करते करते कर्म योगी बनकर करता रहे। और यही वेद बता रहे हैं। अब आपको बताना कि एक चाहे तो एक जिला स्तर पर खेले बालक, और चाहे राज्य स्तर पर, चाहे फिर नेशनल स्टेट लेवल पर, तो उनके नियम एक जैसे ही हैं। तो जैसे ब्रह्म की साधना करता है तो ब्रह्म का भी जाप ऐसे अंतिम सांस तक करता रहना पड़ेगा। जैसे 8वें अध्याय के 6 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है एक नियम है जो अंत समय में जिसके भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। और यही वो तत्वज्ञान बताता है कि जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जिसमें तेरी आस्था रहेगी वहीं तुम्हारा निवास, उसी के पास पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ जो हम पहुंच गए, त्रिकुटी पर बात चल रही है, और जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर अब ये केंद्रित हो गया सत्संग आज का। अब 5-7 मिनट का और सत्संग है, ध्यान से सुना। अब जिसको ये तीनों नाम प्राप्त हो गए और अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहेगा तो त्रिकुटी पर पहुंच जाएगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता है वो भक्ति की शक्ति से बैरकुटी में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके उस परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। प्राण माने श्वास। तो त्रिकुटी पर जाकर के आप वहाँ एक मेला भरा होगा, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो त्रिकुटी। और ये नकली पंथा वाले राधा स्वामी धन सतगुरु वाले और ये बाल योगेश्वर वाले इन्हों काम तो सीधे त्रिकुटी में धान लगावा, इन्हें कह खेगा बिना मेरा त्रिकुटी। और अब देखो त्रिकुटी इज ए नेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी वो स्थान है जहाँ जाने से पहले बहुत सी फॉर्मेलिटियाँ उसने पूरी करनी पड़ती हैं। अपना एक वीज़ा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर ऐसा पैसा भी चाहिए ताकि वहाँ से किराया भी हो। वो व्यक्ति एयरपोर्ट पर जाता है और वहाँ से फिर कौन से जहाज कहाँ का टारगेट लेके गया, फिर उसी की टिकट लेगा जाती वो। अरे ये जाप बताओ पाँचों काल के और बात बनाओ त्रिकुटी, तो सीधे असी त्रिकुटी बचाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, कोई पैदल चला जाए, कोई रिक्शा में बैठ कर पहुँच जाओ, वैसे चले जाओगे त्रिकुटी पर। उससे जाने के पहले तो पूर्ण परम संत चाहिए जो पासपोर्ट बनाओगा, और फिर भक्ति का धन चाहिए ढेर सारा, वो भक्ति के बल से फिर चलेंगे आगे को। इन तीन नाम के मंत्र की जाप किया हुआ प्राणी त्रिकुटी पर पहुँचेगा। वहाँ क्या होगा, एक जैसे मेला भरा होता है सत्संग, तो वहाँ वो काल भी अपना जाल डालेगा। जैसे कोई राधा स्वामी पंथ का है तो राधा स्वामी वाले पंथ जो वर्तमान में उसका गुरु है ना, उसका रूप बना के काल वहाँ सत्संग कर रहा होगा। और जो धन धन सतगुरु वालों का वर्तमान में गुरु है और जो अब कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वो भी वहाँ इसका रूप धारण करके वहाँ काल अन्य रूप में वहाँ सत्संग कर रहा होगा। और वहाँ दयाल भी होगा इस दास के रूप में। फिर आप देखोगे ये कौन है, इतना दास स्वामी वालों का मंच है, जो कहे छोड़ ये तो भ्रमित लोग हैं सारे। फिर आगे चलोगे आप,
फिर देखोगे धन धन सतगुरु वाला के रहे तजमाकति भक्ति ही नहीं, इनके ज्ञान नहीं, कोई नहीं इनके पास। फिर चलोगे आगे तो घूमते घूमते फिर देखें गुरु जी वो बैठे अपना, तो वो रह रहा सत्संग, तो आ जाओ, उन्हें भी कहेंगे आ जाओ सत्संग सुनना तुम, आ जाओ, तो आप सीधे वहाँ आ जाओगे। और फिर जैसे आपकी कैसी आस्था होनी चाहिए, जैसी आज आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है, वहाँ ऐसी ही होगी। एक स्वप्न हो, जैसे स्वप्न में होता है ना, स्वप्न में जैसा आप दिन में क्रिया करती हो तो स्वप्न में भी नहीं बोलोगे। फिर जैसे कोई रेहड़ी पर कीड़े बेचता है और वो सारा दिन ग्राहक डे डे दो दस के दर्जन, दस के दर्जन, दर्जन दस के उल्टे सुलटे बोलने जाएगा, और रात ने भी नहीं बोलिया करो कई बाबा इंडिया ग्राज ले ले दस के दर्जन, दस के दर्जन। तो जैसा अभ्यास उसने दिन में किया हुआ है, रात को वही स्वप्न में उसको वो दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसा आपने जो यहाँ अभ्यास कर रखा है, गुरु जी के प्रति कितना आपका आकर्षण है, कितना उसमें श्रद्धा है, या आप दोष ही देखते रहते हो, तो वहाँ भी ऐसे ही देखोगे, तो वहाँ रिजेक्ट कर दिए जाओगे आपको। वहाँ तो एक सेकंड भी ना लगा आपको, उल्टा यहीं पड़े पाओगे। फिर वहाँ परमात्मा सत्संग सुनाकर आपको कहेगा भी आओ इधर चलते हैं। अब जैसी आपकी श्रद्धा होगी गुरु जी के साथ चलोगे, फिर कहाँ जाएंगे, धर्मराज के दरबार में ले जाओगा आपको उस न्यायाधीश है यहाँ का के भाई ले अपना हमारा अकाउंट क्लियर कर, यहाँ से हम जा रहे हैं अपने लोग को। तो वहाँ ओम नाम के का जो जाप आपने इस तीन मंत्र में कर रखे हैं, ओम तत्सत, ये तीन मंत्र का जाप है, ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा, ये दोनों मिलकर दो अक्षर का सतनाम बन जाता है, दो अक्षर का ये सतनाम बनता है इसमें, और तीसरा और मिलकर ये सार नाम बन जाता है। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है तीसरा, ओम ब्रह्म का, सर्वब्रह्म का सरपुरुष कहो, और तत्व सांकेतिक अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो, जो तना रूप भगवान है संसार रूपी पेड़ का, और परम अक्षर ब्रह्म वो परम अक्षर पुरुष कहो, वो मूल भगवान, ये सत मंत्र उसका है। अब तीनों को मिलकर एक ही साथ जाप करना है, फिर सतनाम अलग नहीं रहता, जब तीनों मंत्र मिल जाते हैं तो वो तीन मंत्र का इकट्ठा ही एक मंत्र बन जाता है। तो यहाँ जो ओम मंत्र की कमाई है या ब्रह्म की है, और हम क्या करते थे, इस ब्रह्म के मंत्र के जाप का जो धन था, हम ब्रह्म लोक में जाते थे और वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, बहुत बड़ी कमाई अपनी खर्च होती थी, वहाँ नाचने गाने सब फंड और टिकट लग गए पूरी, वहाँ का वहाँ रहने का एक एक श्वास का खर्चा आपके ही पुण्य से प्राप्त होता है, आपके पुण्य और आपकी भक्ति खत्म होती है, वहाँ आपको सुख प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते रहे अज्ञानतावश से, उस पुण्य को, उस मंत्र के जाप को वहाँ स्वर्ग महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में वहाँ बर्बाद करते, अपने पुण्यों को अक्षिण करके फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते बनते, क्योंकि यहाँ का विधान है पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ेंगे। अब पुण्य तो स्वर्ग में और पाप नर्क में, और शेष बचे हुए पाप 84 लाख योनियों में फिर भोगने, हम ऐसे करते रहे। अब हम क्या करेंगे, परमात्मा के ज्ञान से हम परिचित हो गए, हम इस ओम नाम का कोई बेनिफिट इस ब्रह्म से नहीं लेंगे। ये खुद भी कहता है कि सर्व धर्मान परितज माम, धर्मान माने सभी धार्मिक पूजाएं मेरे सतर की मुझ में परितज छोड़ दे, एकम शरणम व्रज, फिर तो उसकी शरण में जा सकता है, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी जब हम इसका हिसाब दे देंगे तो ये कुत्ते के देसूर हमने बढ़ावा नहीं किया, क्योंकि हमने इसका अकाउंट दे दिया, पुण्य दे दिए जिसके बदले में हम उस पूंजी खर्च करवा के हमें ये दंड देता था। और परमात्मा ये तीन मंत्र जब प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, संचित पाप कर्म, प्रारब्ध के पाप कर्म नाश हो जाते हैं। और इस काल का जो ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने तपस्या करके ये राज प्राप्त किया हुआ है पृथ्वी, ये किस ब्रह्मांड है, ये इसके अपने हैं, और हम आगे गलती से लटक के इसके साथ में, इसने फिर हमारा ये एक एक सांस की भी पूंजी रख दी कि ये तुम्हारा टैक्स है दो मेरा, नहीं तो गधे कुत्ते सूर बनो। अब ये पृथ्वी बहुत स्पीड से घूम रही है, वायुयान भी नहीं चल सकेगा शायद,
एक घंटे में पता नहीं 40,000 कितना बताऊँ 45,000 किलोमीटर प्रति मील प्रति घंटा से ऐसे भाग रही है विमान की तरह, और ऐसे भी घूम रही है। तो एक विमान में ये दास गया था एक बार दिल्ली से पूना, तो उस समय 7,500 रुपये लगभग एक साइड के लगे थे, उसमें खाना भी अंदर ही, चाह पानी भी अंदर, और 7,500 रुपये एक तरफ के लगे थे। एक भगत ने बुलाया था, उसने सारी व्यवस्था की थी। और पुण्यात्मा हमने तो इस विमान में बैठा ना करा कितने युग हो गए, इसका एक एक सेकंड का खर्चा वो ऋण हमारे ऊपर लिख दिया जाता है कि ये कहे मेरे विमान में बैठे हो तुम और इसका ये चार्ज है। तो ये सिमरण की जो विधि आपको बताई गई है ये बहुत कीमती है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चौडाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंगधर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। हम इतने कर्जवान हो गए हैं और इतने ही शीघ्र हम धनवान बनेंगे इस भक्ति धन के, ये ऐसा मंत्र है। एक सतनाम का श्वास एक बार तूने पूरी क्रिया से सही भाव से सच्ची लगन से लिया तो उस मंत्र की इतनी कीमत बन जाएगी कि 14 लोक भी एक पालड़े के तुला के एक पालड़े में धर दे और एक तरफ रख दे, एक सांस की कीमत सतनाम की श्वास के द्वारा विधिवत प्राप्त दास से नत और वैसे नहीं। और 3 लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग इनको तो पासंग रख दे, यानी वैसे बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी कणक रख दिया कर, 14 न्यारी कणक का होता है। कहते हैं तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, ईसा राम रहे ऐसा मंत्र है ये हमारे भगवान का कि इस सतनाम की एक कीमत इतनी है। और आप फिर कितने कर्जवान हो, तो पुण्य तो हमें इस तरह हमारी भक्ति धन तो बढ़ेगा और पाप परमात्मा के इस सतनाम में और सारनाम में शक्ति है कि हमारे पापों का नाश कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। पाप तो परमात्मा का नाम मंत्र ऐसे फूक देगा जैसे पुराने घास से लाखों टन पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दे सारे का सवा कर राख बना कर और चल हवा उड़ा दे। तो ऐसे ये जब हम सतलोक में त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, इस काल को ओम नाम के जाप की जो इसके सत्र की भक्ति है, यज्ञ हवन ये जो हम करते हैं ये सारी इसको संभलवा देंगे। और अब परमात्मा कहेगा कर दे अकाउंट क्लियर कर हमारा भी, तू रख अपना सारा। अरे ये खुद कहता है, ये वचनबद्ध है कि सर्वधर्मान प्रीत जमाम एकम शरणम व्रज, फिर उसे सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है। ये अज्ञानी समझ नहीं सके, इसका व्रज माने आना ही कर दिया। कृष्ण ने कहा कृष्ण कहे मेरी शरण में आ जा, कृष्ण की शरण में तो पहले ही कह रहा अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, जो मेरे हित में हो वह सलाह दो। तो फिर न्यूकर्ण का क्या मतलब मेरी शरण में आ जा तू, ये वर्ज माने जाना है ना अनर्स कर डाले। जैसे अंग्रेजी का शब्द गो होता है, गो गो माने जाना, और कहीं गो शब्द हो सेंटेंस में और उसका अर्थ आना कर रहा है तो परिचित नहीं है उसके भाव से, वो गलत अनर्थ कर रहा है। ऐसे ही वर्ज माने गो जाना और उसका अर्थ आना करना कम कर दिया, कम कम माने आना, ये व्यर्थ कर दिया, बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। तो ये महाज्ञानी से जिन्होंने गीता जी का अनुवाद को गलत कर रखा है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 24वें श्लोक में इन्होंने अनुतम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, जबकि ये खुद कहता मेरी साधना तो अति अनुतम है, घटिया है, क्योंकि ना तो मोक्ष हो, ना जन्म मृत्यु कटे, ना कर्म का दंड टड़े क्यों भोगना सारा पड़ेंगे। इसीलिए तो कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस काल के जो ऋण से मुक्त होकर ओम नाम और अन्य जो साधनाएं हम करते हैं, जैसे प्रथम मंत्र आपको देते हैं 7 मंत्र का है, उसमें से फर्स्ट और लास्ट तो प्रभु का मंत्र है अलग से 7 में, इसलिए दिया जाता है कि मनमान इस दौरान ही कोई मृत्यु हो जाए तो फिर भी मनुष्य जीवन कंपलसरी आपको होगा। और बीच के जो 5 मंत्र हैं इनमें सब कमलों में बैठे ये ब्रह्मा जी विष्णु जी गणेश जी इनके मंत्र हैं, इनसे ऋणमुक्त होना हमने यहाँ से, तब हम त्रिकुटी पा पाएंगे। यहाँ है त्रिकुटी, यहाँ नहीं है, पीछे से आकर यहाँ आके
त्रिकुटी है, या तो ऐसे संकेत किया जाता है कि इसके बैक में यहाँ पर है, तो तब हम त्रिकुटी पहुँच सकेंगे, तब नीचे से फ्री हो लेंगे, सब ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो प्रथम मंत्र आपको यहाँ से क्लियर कराएगा, और फिर सतनाम का जो प्रथम मंत्र है ओम, ये आपको काल से छुटकारा दिलाएगा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत् अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, जो सात संग ब्रह्मांड है जिसके, उसके ब्रह्मांडों से पार होना, उसने उसका चार्ज मांग रखा हमारे से, तो जो तत् मंत्र है सांकेतिक, ये दास आपको बताएगा, उसकी कमाई फिर आगे उसको देंगे, तब वो हमें अपने ब्रह्मांडों से बाहर जान देगा। और जो सत है, जो सार नाम है परम अक्षर ब्रह्म का, वो सतलोक में ठिकाना सथाई स्थान देगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर साहेब जी, हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वो कुल के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के सृजनहार वही हैं। परमेश्वर को जिन भी महापुरुषों ने पाया है, उन्होंने परमात्मा कबीर देव जी को ही प्रभु बताया है, और उनकी पूरी स्थिति से हमें परिचित कराया है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिला, उन्होंने अपने अमृत वाणी में उस परमेश्वर कबीर जी की, कबीर देव जी की महिमा बताई है, सुनाई है, और वही महिमा सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाई है। जैसा कि वेदों को हम एक सत्य शास्त्र मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र मानते हैं, और हम वेदों से हटकर ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, जिनको परमात्मा मिला नहीं, जिनकी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया परमात्मा के पाने का, लेकिन उनको उस साधना, उस विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण से उन्होंने अपना अनुभव बता दिया कि परमात्मा निराकार है। और जिनको इस ब्रह्म ने साधना काल के अंदर समाधि दशा में किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दिए, तो उन मेडिटेशन करने वाले ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए मेडिटेशन किए, हठ योग किए थे, जबकि ये हठ योग और मेडिटेशन किसी भी सदग्रंथ के अंदर जो है इसका समर्थन नहीं है, इसके करने का नहीं कहा गया है। ये मनमाना आचरण है, और इस मनमाने आचरण के आधार से जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों को स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया वेदों का कि इसमें ओम नाम है और ब्रह्म सबसे बड़ा भगवान है, उस आधार से उन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जानकर ओम नाम का जाप शुरू किया, साथ में फिर हठ योग भी करने लगे, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। ये मेडिटेशन जो करना है, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। जैसे कुछ पंथ हैं, वो बताते हैं 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम ध्यान लगाओ, उसको मेडिटेशन बोलते हैं, वो हठ योग है। तो उन्होंने कोशिश की, हठ योग करना भी शुरू किया, ओम नाम का जाप भी किया, क्योंकि वेदों में ओम नाम ही जपने को कहा है और कोई मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं अन्य।
और जो नाम है वो सांकेतिक हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उससे वो परिचित नहीं हो पाए कि ये तत् और सत कौन मंत्र हैं, किसके हैं। तो उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल कर ब्रह्मा जी समेत सभी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सभी ने, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, इन सभी ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में ओम नाम है और यही परमात्मा का उत्तम मंत्र है और ब्रह्म ही सबसे बड़ा भगवान है, जिस कारण से उन्होंने ओम नाम का जाप और हठ योग बहुत किए, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि ब्रह्म कौन है, ये काल है, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ और अब सबको खाने के लिए आया हूँ, सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ विद्यमान थे, वो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। इसे सिद्ध है कि उनके श्री कृष्ण जी के अंदर कोई और पावर बोल रही थी, वो काल भगवान है जो ऐसे ही क्रियाएँ करता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन मेरा ये वास्तविक रूप, ये विराट रूप है जो दिखा रखा था और जिसको देखकर अर्जुन का कलेजा हिल रहा था, डर रहा था, भयभीत हो रहा था, कांप रहा था अर्जुन जैसा योद्धा। पुण्यात्माओं, भगवान से डर नहीं लगता, भगवान से कभी डर नहीं लगता, और जिसके सामने खड़ा खड़ा अर्जुन कांप रहा है तो वो कौन हो सकता है, वो काल ही था। नहीं, श्री कृष्ण जी के साथ तो हमेशा रहा करते थे, बड़े प्यार से रहा करते थे। तो उसमें 11वें अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, मैं काल हूँ, और मेरे इस रूप के दर्शन यानी मेरी प्राप्ति तेरे से पहले, आज जो मैं तुझे अपनी कृपा से अनुग्रह करके तुझे ये दर्शन दे रहा हूँ, तेरे से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। जो मैंने आज कृपा करके तुझे अपने दर्शन दिए हैं, ये है मेरा रूप, ये मेरा स्वरूप है, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, अर्थात मेरी प्राप्ति किसी को नहीं हुई और आगे भी नहीं हो सकती, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से, ना किसी मंत्र के जाप से। मेरे इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते। इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे अन्य फल अवश्य है। इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप और हठ योग किया, मेडिटेशन किया, समाधिस्थ हो गए। समाधि दशा में किसी को तो इस काल भगवान ने श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो जिनको इसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए, तो उसने ये जान लिया कि ये विष्णु जी जो हैं यही परम परमेश्वर हैं, ये काल का पुत्र जो विष्णु जी है सतगुण युक्त। तो उस ऋषि ने डंडोरा पीट दिया कि ये भगवान हैं, ये बैठे विष्णु जी, ये अपने आप को छुपा रहे हैं, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन किए हैं और ये सुप्रीम पावर है। विष्णु जी भी सुन रहे हैं, विष्णु जी को कोई पता ही नहीं ये क्या बोल रहा है। एक ने कहा, फिर दूसरे ने को भी उसने ऐसे दर्शन दे दिए विष्णु जी के रूप में, उसने भी यही समर्थन दिया, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, दसों ने, हजारों ने श्री विष्णु जी को समर्थन दिया कि ये खुद भगवान हैं, और समाधि दशा में हमने परमात्मा के दर्शन के लिए याचनाएं की थी, स्तुति साधना की थी, तो यही रूप दिखाई दिया, तो ये खुद मालिक है। इससे भगवान विष्णु जी को भी भ्रम हो गया
कि मैं सचमुच पूर्ण परमात्मा हूँ। और फिर किसी साधक को इसी काल भगवान ने श्री शिवजी के रूप में दर्शन दे दिए, अन्य साधक को अपने पुत्र तमगुण शिवजी के रूप में। तो उस ऋषि साधक ने सबको कह डाला कि ये पूर्ण परमात्मा है, शंकर भगवान जो शिव है, ये छुपा रहे हैं अपने आप को, ये सर्वेश्वर है, मृत्युंजय कालज्ञ। इसी प्रकार एक ने, दो ने, दसों को, बीसों को, पाँच सौ को उस काल भगवान ने इस दृष्टिकोण से वर्मित कर दिया। तो उन्होंने भगवान शंकर को, शिवजी को सर्वेश्वर बता दिया और किसी को ब्रह्मा जी के रूप में उसने दर्शन दे दिए हैं। उसने ब्रह्मा जी को बता दिया कि ये स्वयं परमात्मा है। फिर आखिर में उन्होंने निष्कर्ष कर दिया आपस में, कोई कहता विष्णु जी ही तीन रूप बनाते हैं, सतीथि, उत्पत्ति और संहार ये खुद ही करते हैं, तीन रूप बना लेते हैं। इस तरह का जो भ्रमित ज्ञान है ये इनका स्वयं कलेक्टेड है, स्वयं संग्रह किया हुआ है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। और इसी भ्रम के कारण एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के लोक में चले गए। विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी और भी बहुत से वहाँ के अनुचर खड़े थे विष्णु जी के। भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए, ये रजगुण ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ए विष्णु, ए बेटा विष्णु, देख मैं तेरा बाप आया हूँ, तेरा उत्पत्ति करता आया हूँ। अब ब्रह्मा जी को उन ऋषियों ने प्रजापिता बता दिया कि सबकी उत्पत्ति करता है ये। उधर से विष्णु जी को बताया कि आपकी नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है, तू मेरा पुत्र है। अब ब्रह्मा जी कहता विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूँ, सारे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति करता मैं ही हूँ, सब जीवों की उत्पत्ति करता मैं ही हूँ। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा जनक हूँ। और इस बात पर उनकी आपस में कवासुनी शुरू हुई, फिर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। तो ये काल भगवान क्या करता है, इन दोनों के युद्ध को समाप्त करने के लिए इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर देता है, स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर देता है, बहुत तेजों में, बहुत लंबा खंबा। अब इन्होंने एकदम उनके बीच में एक आश्चर्यजनक घटना घटी, तो दोनों झगड़ा बंद कर गए, युद्ध बंद कर दिया और उसकी खोज करने लगे, ये क्या है, ऊपर तो कितना लंबा है, नीचे कितना बड़ा हुआ है। ऐसे वो चलते रहे, उनको और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी ब्रह्मा जी ने कि मैंने इसका एंड देख लिया। इस बात से अक्षुब्ध होकर के ये काल भगवान अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके उनके पास प्रकट हो गया और ब्रह्मा को कहा कि तूने झूठ बोला है, उसकी गर्दन काट दी, पांच मुख थे, चार रह गए। फिर उन दोनों को कहा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। अपुण्य आत्माओं, आज तक ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी गुत्थी इतनी जटिल उलझी हुई थी, इसका कहीं सिर पैर नजर नहीं आवा था, ना इन ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान था, ये सब भ्रमित थे, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था, इसलिए अपने मनमुखी साधनाएं करने लगे और मनमुखी इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको उपनिषद कहने लगे। और उन उपनिषदों का आपस में किसी का तालमेल नहीं है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है।
ना ही उनका वेदों से कहीं लिंक है। अब ये क्या बताते रहे अभी तक कि परमात्मा निराकार है, फिर ये क्या बताते हैं? दूसरा उपनिषद कहता है कि परमात्मा साकार है। साकार की वो परिभाषा बताते हैं कि जो भी ये सब संसार दिखाई देता है, ये पृथ्वी, सितारे, चांद, ग्रह, पर्वत, ये सब भगवान का साकार रूप है। ये कोई बात हुई? ये तो परमात्मा की रचना है, उसका रूप कैसे है? उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि है, और निराकार बनाएगा कैसे? निराकार एक कारीगर या कोई कुम्हार, निराकार एक कुलिया बना के दिखा दो, मटका तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब भ्रमित थे, जिस कारण से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का नाश कर रखा था। परमात्मा कहते हैं कबीर जी के, नौमन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, ये उड़ जाए ना दूजी बार। परमेश्वर कबीर देव जी इस नौमन सूत को सुलझा कर गए थे। उस परमेश्वर के द्वारा सुलझाए हुए सूत को किसी ने स्वीकार नहीं किया, और इन अज्ञानियों की सारी बातों को मान लिया। किसी ने कहीं मंदिर बना दिया कि इसमें भगवान है, इसे पूजा करने से लाभ है, वहाँ शुरू कर दिया। किसी ने श्राद्ध की, कहीं श्राद्ध करने शुरू कर दिए। किसी ने कहीं और बता दिया कि उस जाटी का धागा बांध दे, उससे लाभ हो जाए, वहाँ भी जाने लगे। लेकिन परमात्मा कबीर है ये मानने को तैयार कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सके, लेकिन अब होंगे, क्योंकि हम प्रमाणों को देखकर मानेंगे और हमारा फिर कल्याण होगा। अब यहाँ आपको थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि जिन भगवानों को हम सर्वेश्वर कहा करते थे, परमात्मा कहा करते थे, और सर्व दुख नाशक कहा करते थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये एक ही सत्र के भगवान हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, लेकिन ये वास्तव में ईश नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन इनकी जो परंपरागत अब तक चलती आ रही है, इसलिए इनको भगवान कहना पड़ रहा है। अब ये कितने सत्र के भगवान हैं यानी स्वामी हैं, ये आपको बताएंगे। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना हो है मुक्ति। इन तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब दिखाते हैं आपको कि ये परमात्मा नहीं है, और हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे। आपको दिखाते हैं शिव पुराण, पुणात्मा अभी तक परमात्मा की महिमा आप जहाँ भी जाते हो सुनते रहे हो, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इससे ये लाभ होता है। लेकिन हम जिस भी संत या पंथ या सत्संग में जाते थे, प्रत्येक महापुरुष की बातें हमें अच्छी लगती थी, जो भी कहता था हमें लगता था कि सही बोल रहा है। दूसरे के पास जाते थे वो भी लगता था कि ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बातें बता रहा है, बड़ा ज्ञानी पुरुष है। तीसरे के पास जाते थे वो भी अच्छा लगता था, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था, जिस कारण से इन्होंने हमें आज तक मूर्ख बनाए रखा। अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम तुरंत जो भी बातें कोई बोलेगा, संत बन के जो बोल रहा है, चर्चा करता है, सत्संग करता है, हम तुरंत बता देंगे ये कितना विद्वान है, तो हम उसको छोड़कर चल पड़ेंगे।
इसके लिए सदग्रंथों का प्रमाण आपके समक्ष बार बार दिए जाते हैं कि आप जी इतने बुद्धिमान हो, आज कंप्यूटर बना लिए, सैटेलाइट बना ली, पता नहीं हेलीकॉप्टर बना लिए, जहाज बना लिए, परमाणु बम बना लिए, जो बनाना था वो छेड़ा भी को नहीं, उसको स्टार्ट नहीं कर रखा, जो इस मनुष्य शरीर से हमने कुछ बनाना था। तो इस विद्या का लाभ आज आपको यही मिलेगा कि शिक्षा का, कि आप परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करा लोगे। अभी आपको दिखाते हैं शिवपुराण में कि ये काल भगवान कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को कि तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, कर्ता मान लिया, तुम कर्ता नहीं हो। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, ये गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिवपुराण, इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, ओनली। ये गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके 24 पृष्ठ का आपको दिखाते हैं। ये है विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24 पर। ये ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। इस युद्ध करते समय इनके बीच में ये तेजो में लिंग यानी पिलर खड़ा कर दिया काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और फिर ये शिव रूप में आकर के कहने लगा। अब यहाँ देखिएगा, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला ब्रह्म, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि पालन और संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध है। आगे देखो, ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे ध्यान देखो। ये कहता पुत्रो, ये काल कहता है शिव रूप में प्रगट, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीति नामक दो कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैंने ने दो अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। ये चार हो गए, दो तो ये ब्रह्मा और विष्णु जिनको सृष्टि और सतीति नामक दो कृत प्राप्त हुए, और दो ये रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला ये चौथा है, ये काल है जो इनको रुद्र और ब्रह्मा और विष्णु रुद्र के बारे में सारी बता रहा है, महेश के बारे में, और ये अपने पुत्र महेश के रूप में खड़ा हो गया। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा, इस प्रकार ये यहाँ अपना अन्य रूप ना करा रहा है, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है, या अपने जैसे बना दिए मैंने रुद्र और महेश। युकाल कहता है वे रूप वेश कृत वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है, ये काल बोल रहा है। अब ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ,
यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ये काल बोल रहे हैं। ब्रह्म मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदनदेहम स याति परमाम गतिम। तो यहाँ भी वही प्रमाण है कि वो कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। यहाँ देखना इन्होंने, ये है मनमुखी साधना, अनुवादकर्ता ने अपनी तरफ से लिख दिया ओम नमः शिवाय। ये शब्द इन भिन्न लिखाई में किए हैं कि ये इसकी अपनी अनुभव की सोच है, ये गलत है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं इस मूल संस्कृत में, यह पांच अक्षर मंत्र। ये पांच अक्षर का मंत्र तो पहले बता ही दिया कि ये बता दिया इन्होंने कि मेरे उत्तर के मुख से एक अकार हो गया, पश्चिम के मुख से ये दूसरा मुख उकार हो गया, दक्षिण मुख से ये तीसरा मकार हो गया, पूर्ववर्ती मुख से ये चौथा बिंदु हो गया और मध्यवर्ती मुख से नाद। ये पांच अवयवों से एकीभूत होकर इन पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है, यह दुर्गा और काल का। इससे पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है। वह आकार आदि मकार से और मकार आदि कर्म से, कर्म से प्रकाशमान। ये तो वो वही है पंचाक्षर का ही ऊपर बता, यही तो है। इन्होंने यहाँ अपनी तरफ से लिख दिया ओम नमः शिवाय और हमने फिर इस ओम नमः शिवाय का टलना शुरू कर दिया। ये शास्त्र विदिता का मनमानी पूजा, ये गलत है। ये तो आप जी ने पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी वाली में, तो हिंदी का अनुवाद करते समय इन्होंने कुछ तथ्यों को छुपा दिया जबकि मूल संस्कृत के अंदर वो अब भी विद्यमान है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण प्रथम भाग हिंदी टीका सहित भाग एक, ये है श्री शिव महापुराण। ये कहाँ से प्रकाशित है? बम्बई से, विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, और खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से ये प्रकाशित है। अब इसमें दिखाते हैं आपको, इसके तीसरे स्कंद में इनके और ज़्यादा डिटेल है। इसके अंदर अध्यक्ष मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई से। शिवपुराण 11 पृष्ठ पर विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय है, विद्वेश्वर संहिता अध्याय है। यहाँ से प्रश्न होता है, नंदीकेश्वर बोले हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय देखियो, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो?
हे वत्स, हे बेटा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी यानी तेरा मालिक आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर से तो गुस्सा हुआ पर ऊपर तो इन्होंने दिखाया मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स के बेटा तुम्हारा मंगल हो। विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया? वो टेढ़ा टेढ़ा देखा था ब्रह्मा जी गुस्से में आके। ब्रह्मा जी बोले, वत्स यानी बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, और मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हंस और गरुड़ पर उठकर अब लड़न लगे। तब संपूर्ण देवता, वह तो लठ बजावे ब्रह्मा विष्णु तो लड़े हैं, और संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश में उनके